हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज बनाऊंगी एक करी। तो एक करी मैं इस तरीके से बनाऊंगी। अगर इस तरीके से आप एक करी बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मसाले वगैरह मैंने पीस लिया है वहाँ पे, और अंडा को बॉईल कर लिया है। और इस तरीके से अंडा को मैंने बीच बीच में से थोड़ा कट कर लिया है, ताकि मसाला जो है अंदर तक अच्छे से जाए। और मसाले में मैंने लिया है प्याज, लहसुन, थोड़ी सी सूखी नारियल और टमाटर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंडा करी में टमाटर, जो कि मैंने दो दो टमाटर को यूज़ कर रही हूँ। तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से अंडा को अच्छे से हल्दी, नमक और मिर्ची से इस तरीके से, मतलब इस पे लगा लेंगे। फ्राई करना है इसे। तो अब जो है मैं इस तरीके से अच्छे से लगा लूँगी अंडे के ऊपर मसाले। तो आप लोग इस तरीके से अंडा को, मतलब अंडा करी बना के ट्राई कीजिएगा। काफ़ी टेस्टी बनता है और खाने में बहुत स्पाइसी, मतलब अच्छा रहता है। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया यहाँ पे सरसों का तेल। अब मैं एक एक करके अंडे को इसके अंदर छोड़ दूँगी और फ्राई कर लूँगी। तो सब्ज़ी जो है वो मैं दो जन के हिसाब से बना रही हूँ। तो दो जन के लिए चार अंडा काफ़ी हो गया है। तो आप अपने हिसाब से, आप लोग जिस, मतलब जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आपके घर पे ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा अंडे की क्वांटिटी लीजिए और उस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे मैंने अंडे को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा है, उसी तेल में थोड़ा सा डाल दी सूखी मिर्ची, और अब डाल रही हूँ जीरा। तो अच्छे से जीरा और मिर्ची भून चुका है। अब मैं जो मसाला है वो मैं डाल दी हूँ इसमें, जो मैंने मसाले को पीस लिया, तो मसाले में इसमें डाल दी हूँ। अब अच्छे से यहाँ पे चला लूँगी। तो इस चलाने से पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। तो मैं कोई स्पेशली जो मसाला आता है वो यूज़ नहीं करती हूँ। जो घर का मसाला होता है बेसिकली उसी से ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, सिंपल वे में। जो घर पर मसाला होते हैं उसी से ही। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। अब अच्छे से यहाँ पे मसाले को चला लूँगी और अच्छे से भून लूँगी मसाले को, जब तक जो है प्रॉपर तरीके से मसाला एकदम भून ना जाए। और जब भी आप सब्ज़ी बनाए या चिकन बनाए या कोई भी, मतलब आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाए, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनें। अगर मसाला अच्छे तरीके से नहीं भूनेगा तो उसमें कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा और सब्ज़ी जो है वो टेस्टी नहीं बनेगी। इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना। तो यहाँ पे मसाला जो है एकदम भून चुका है। देखिए कितना, मतलब कच्चा जब मैंने डाला था कितना सारा मसाला था, अब एकदम भून के एकदम कम हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मैं ग्रेवी बना रही हूँ तो ग्रेवी के लिए ज़रूरत है पानी की। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, तो इतना ही पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि चार ही अंडे का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, अंडा करी बना रही हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी इस पर ऐड किया। अब जो है यहाँ पे जो ग्रेवी है उसको हम उबाल आने देंगे अच्छे से। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देना है। तो देखिए एकदम उबाल आ चुका है ग्रेवी में। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक एक करके अंडा छोड़ दूँगी। तो एक अंडा जो है वो टूट गया था, मतलब उबालने के टाइम पे फूट गया था, तो फ्राई करते करते एकदम फूट गया है। तो हम इसी को भी सब्ज़ी में, अंडा करी में, मतलब यूज़ कर लेंगे। अब अब स्लोली ढाके से पकाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। तो ढक दिया है। आप 20 मिनट के बाद में देखिए सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो चुका है। अंडा करी एकदम, एक करी देखिए कितना मस्त कलर आया है, और ये काफ़ी टेस्टी बना है इसे देख के तो लग रहा है। तो ये बेसिकली अंडा करी इस तरीके से ही बनाया जाता है। अब इसमें लास्ट अब गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो बट मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। सो देखिए कितना मस्त बना है अंडा करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। फिर आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।